इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल, श्रीमती कमला देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती वर्षा जैन। प्रसिद्धि तुभ्यम फर्म प्रज्ञा फिलिंग स्टेशन रतनलाल मीठालाल नौगामा जिला बांसवाड़ा राजस्थान। ऐसा देखो आज आंख से, ऐसा देखो आज आंख से, निज चेतन ही दिख जाए और ऐसी ताली आज बजाओ, ऐसी ताली आज बजाओ, ऐसी ताली आज बजाओ, रोग देह के मिट ही जाए। ऐसा नमन करो गुरुवर को, गुरुवर शीघ्र इस बागर की धरती पर आए, गुरुवर शीघ्र इस कौन सा क्षेत्र है ये खड़ग क्षेत्र में आए। एक गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों को 12 वर्ष पूर्व मिल गया था। कितने वर्ष पूर्व? कहते हैं कि अवसर जब आते हैं तो कैसे आते हैं? दबे पांव आते हैं, और अवसर जब जाते हैं तो पंख लगा करके उड़ जाते हैं। और बीजारोपण कर दिया एक नवीन भव्य चिनालय और तभी से आप लोगों ने भावना बनाई होगी कि ये भव्य जिनालय बनेगा और इसमें जाकर के हम अपने आराध्य देव अतिशयकारी भगवान को दिव्य वेदिका पर बिठा करके हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तभी से आप लोगों का पुण्य बढ़ता गया और आज वह पुण्य सार्थक आपका हो गया जिसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी। जैसा भी भैया जी ने कहा था कि यहां से भी मोक्ष गए होंगे, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि गिरी और दरी शब्द भी आता है। जहां ऐसी दरियां होती हैं, जहां ऐसे पर्वत डोंगरियां डोंगरी आदि होती हैं, ऐसे में ही आकर के कौन महाराज यहाँ आए और कब ध्यान लगाया और कब मोक्ष को प्राप्त हो गए किसी को पता नहीं। ऐसे कितने हुए होंगे, अनंतों हुए होंगे, कोई को पता नहीं। तीर्थंकरों के तो चिन्ह आदि बना देते हैं आकर के, सामान्य मुनिराज जहां से चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे इस अतिशयकारी क्षेत्र को और विस्तार देने का आप लोगों ने भाव बनाया है। वास्तव में जीर्णोद्धार पुराने का तो होता ही है, लेकिन अगर कोई क्षेत्र है और क्षेत्र अगर वह विकास को प्राप्त हो जाए तो वो भी एक जीर्णोद्धार ही कहलाता है। और ये क्षेत्र किसका है? कहते हैं ये क्षेत्र तो सबका है, क्योंकि क्षेत्रों की यात्रा के लिए जब यात्री निकलता है तो वह यही कहता है, धन्य है हमारे अतिशयकारी क्षेत्र जिनके बंधन करके हम अपने पापों को काटते रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के जब विकास की बात आए तो फिर किसी प्रकार से सोचना ही नहीं चाहिए, और जितना खर्च कर सको, ये अवसर आया है अपने हाथ में ले लो और बस। ऐसे अतिशयकारी क्षेत्रों के जीर्णोद्धार के लिए जो अपने धन का सदुपयोग करता है, दिन रोनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त होता हुआ एक दिन वह भी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जैसा भैया जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश ही हो आपके राजस्थान का।
ये पंच कल्याणक महामहोत्सव क्या होते हैं आप लोगों ने कई बार देखे हैं, जानकारी दी, लेकिन आपको बता दें कि सबसे प्रथम इस कर्म भूमि के आदि में आदिनाथ भगवान, और उन आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक देवों ने मिलकर के बनाए। और जब भगवान का निर्वाण हो गया उसके बाद भरत चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ गए कि अभी तक तो हम भगवान की पूजा आराधना करते थे, अब मैं किसकी आराधना करूंगा। तब गणधर परमेष्ठी ने कहा, भरत महाराज अब ऐसा करो, भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, अब इनकी स्थापना निक्षेप के माध्यम से चिनालय बनवा करके और उनमें उनकी प्रतिमा विराजमान करके उनकी पूजा आराधना करो, तुम्हारे लिए वही फल मिलेगा जो साक्षात समोसर में जाकर के फल मिलता है। और उस समय भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय भूत वर्तमान और भविष्य संबंध 3/24 को विराजमान किया, स्वर्णमयी रजतमयी रत्नमयी जिनालयों का निर्माण कराया और उसमें रत्नमयी प्रतिमाओं को विराजमान किया। कितनी बड़ी प्रतिमा, जितनी बड़ी हाइट के भगवान थे आदिनाथ भगवान, 500 धनुष के थे तो 500 धनुष की रत्नमयी प्रतिमा क्या होगी। और फिर जितनी भगवान की जैसी जैसी हाइट उसके अनुसार उन्होंने वहां पर छिनालय और भगवान को विराजमान करके पहला पंच कल्याणक अवसर पड़ी का वहां पर हुआ। और उस पर्वत के चारों ओर परिक्रमा के माध्यम से ऐसा ही महोत्सव किया गया। तब से आज तक ये पंच कल्याणक होते आ रहे और स्थापना निक्षेप के माध्यम से ये अवसर आप लोगों के लिए दिया गया कि जो ऐसे इन पंच कल्याणकों को करता है वह एक दिन, कल आपको बताया था कि संसार के वह सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके एक दिन उसके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं, ऐसी महिमा है। कितनी महिमा बताएं, बता नहीं सकते। आचार्य उपन कहते हैं कि ऐसे इन कार्यक्रमों का जो लाभ उठाते हैं उनका ऐसा पुण्य फूलता चला जाता है, पाप कर्म की निजरा ऐसी होती चली जाती है और उस पर जब फल लगते हैं तो अनंत के रूप में सामने आ जाते हैं, यानी उसको भी एक अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महिमा इस पंच कल्याणक की होती है, इसलिए आप सब लोगों को अच्छे से बताया माताजी ने शुद्धि विशुद्धि के साथ। तन की तो शुद्धि हम कर लेते हैं लेकिन मन की शुद्धि सभी शुद्धियों में, सर्वेषां शुद्धि नाम मना शुद्धि प्रशस्यते, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा कि सभी शुद्धियों में मन की शुद्धि प्रशस्त होना चाहिए। सारी शुद्धियां आपने कर ली और जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और कुछ मन को आपने विकृत कर लिया, सारी शुद्धियों के ऊपर पानी फिर जाता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा अगर कोई मूर्त नहीं है और सबकी मन की अच्छी विशुद्धि है और सब चाहते हैं तो कहते हैं उसी समय उस कार्य को कर देना चाहिए और वह सफल हो जाता है। इसलिए मन की, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको तन को धोना व्यर्थ,
खूब गुड़ में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। धो मन को धो सको, धोना है तो इस मन को धोना चाहिए। जो मन को धोने में लगे रहते हैं, कहना ही क्या है, क्योंकि इस मन के धोने से ही आत्मा विशुद्धि को प्राप्त होती है। इसलिए तन की शुद्धि तो आप जल के माध्यम से कर देते हैं, इस पंडाल आदि सब की शुद्धि आप कर देते हैं, लेकिन अपने मन की शुद्धि अपने भावों के द्वारा ही करना है। और सबको ऐसे भाव बनाना है कि अहो भाग, हमें ऐसा सौभाग्य मिला है जो ऐसे अतिशयकारी क्षेत्र के पंच कल्याणक करने का मिला। सबको नहीं मिलता, ये बहुत दुर्लभ चीज है। और वह 500 वर्षों बाद आपको ये मौका आया, कितनी पीढ़ियां आपकी निकल गई, और अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो कहते हैं अवसर पर चूक जाना सबसे बड़ी नादानी कहलाती। और बहुत सारे जब ये पंच कल्याणक हो जाएगा तो बाद में कहेंगे हम रह गए, हम उसमें शामिल नहीं हो पाए, तो अब पछताए हो क्या, फिर पछताने से कुछ होता नहीं। इसलिए इस अवसर का आपको लाभ उठाना है। जैसे 12 वर्ष पूर्व में आप लोगों ने वो लाभ उठाया, अब बिना ये लाभ मिल रहा है, और ये लाभ आपको ऐसा एक बार नहीं, बार बार आपके जीवन में आए। वह क्षेत्र एक बहुत बड़ी मिसाल आप खड़ी कर दो, आप निश्चित मानिएगा जरूर आपकी आत्मा भी एक दिन शुद्धि को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यही पुण्य, बहुत तीव्र पुण्य चाहिए ऐसे इस रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए। ये आदिनाथ भगवान का यहाँ पर पंच कल्याणक होगा, आप सब देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि पूर्व भव में इस जीव की क्या स्थिति थी। आदिनाथ आदि पुराण में वर्णन आया है कि एक राजा के दो पुत्र थे, एक का नाम जय वर्मा था और एक का श्री वर्मा था। जय वर्मा बड़ा पुत्र था, श्री वर्मा छोटा पुत्र था, लेकिन छोटा पुत्र होते हुए भी बहुत बुद्धिमान, कुशलता उसके अंदर बहुत थी, और पिताजी उसको बहुत स्नेह भी करते थे। जब राज्य देने की बात आई तो पिताजी ने बड़े पुत्र को राज्य न देकर के छोटे पुत्र को राजपद सौंप दिया, तिलक कर दिया। बस बड़े पुत्र को ठेस लगी और वह अपने घर को छोड़ करके जंगल की ओर चला गया। सौभाग्य से ऐसे ही दिगंबर यथाजात स्वरूप को धारण करने वाले मुनिराज के दर्शन हो गए और अपनी व्यथा उन महाराज के पास रख दी, और महाराज ने ऐसा उपदेश दिया और कहा कि तीन लोग का नाथ तू क्यों बन रहा अनाथ, तू तो तीन लोग का नाथ है, अनाथ बनकर के संसार में अनादि काल से घूम रहा है, रत्नात्रय यदि साथ ले हो जा जग का नाथ। रत्नात्रय को जो धारण कर लेते हैं एक दिन वह तीन लोग के नाथ हो जाते हैं, और दीक्षा को धारण कर लिया, और दीक्षा धारण करके अपने केश लोंच जो किए उन केश लोंचों को एक स्थान में जहां कुछ छेद सा दिख रहा था वहां उन्होंने डालने का प्रयास किया, और उसी समय एक सर्प वहां बैठा हुआ था, उस सर्प ने डस लिया।
और ऊपर से विद्याधरों का वैभव निकल रहा था। एक राजा अपने वैभव के साथ जा रहा था और उन मुनिराज ने उस वैभव को देख करके प्रणाम कर लिए कि मुझे भी इस तपस्या का फल ऐसा वैभव मिले। इसलिए अब हमें ऐसे अनुष्ठानों को भगवान की ही आज्ञा है कि ऐसे स्थापना निक्षेप के माध्यम से जो ऐसे कार्य करते हैं बहुत जल्दी एक दिन वह वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, गुरु जी का तो आशीर्वाद आया ही है, हमारा भी आप लोगों के लिए पूरा पूरा आशीर्वाद है। हम लोग तो अतिथि के रूप में आए हैं और एक लीला देखने आए हैं, संक्रांति का है और संक्रांति पर भी आप लोग ऐसे शुभ कार्य करने जा रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंत जब हम लोगों को क्लास आदि पढ़ाते थे और जब ग्रंथ पूर्ण हो जाता था और कहीं के पंच कल्याणक करने के लिए गुरुदेव को जाना होता था तो आचार्य भगवंत कहते थे कि अब आप लोगों की छुट्टी है, चलो तुम लोगों के लिए मेला दिखाते हैं। पर ये ऐसा मेला नहीं, ये सांसारिक मेला नहीं, ये पारमार्थिक मेला है। और जो इस मेले में शामिल होते हैं वह एक दिन परमार्थ स्वरूप अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसको सिर्फ मनोरंजन में नहीं, इसके लिए तो अपना आत्मरंजन का एक कार्य है और सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी उन भावनाएं, कैसी ये भावनाएं होती हैं कि फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ करने वाले हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं, सबको चिंता होती है ये कार्य करना है, उन्हें कुछ नहीं करना होता, उन्होंने तो पूर्व में कर लिया और उसका परिणाम स्वरूप है ये आपको। समय बहुत हो गया है, आज इतना ही हम पर्याप्त तो समझते हैं, आगे जाकर के आपको और सारी सारी जानकारी मिलती चली जाएंगी। आप सब लोग मन बना लें कि इस कार्यक्रम में जो भैया जी ने अभी बताया है कि एक और वहाँ पर ऐसे ही नींव डाली जा रही है जो बहुत छोटी छोटी राशि में भी एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए ये अवसर मिल रहा है। और अन्य क्षेत्र होते तो ये बहुत बड़ी राशि भी हो सकती थी, लेकिन छोटी सी राशि में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। और अभी प्रतिभा स्त्री की बहनों ने जो आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रतिभा स्त्री के बारे में बताया, हम तो ये मानते हैं कि आज ऐसे कलियुग में, कली काल में जहाँ स्कूलों की दशा, कॉलेजों की दशा कैसी है, पढ़ाने वाले कैसे हैं, उनके आचरण कैसे हैं और पढ़ने वालों की क्या स्थिति है, ऐसे इस कली काल में भी गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आपकी बच्चियों को पढ़ाने वाली जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य भगवंत से धारण किया और साथ साथ में जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया, व्रतों की वाणी से लगी अपने को भी सुरक्षित रखे हुए हैं और आपकी बालिकाओं को सुरक्षित करने के लिए तत्पर है। आचार्य भगवंत की इतनी बड़ी उदारता कि अपनी शिष्याओं को आप लोगों की बच्चियों के उद्धार के लिए लगा दिया और वो भी समर्पित होकर के गुरुदेव की जो आज्ञा है वह स्वीकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल, श्रीमती कमला देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती वर्षा जैन। प्रसिद्धि तुभ्यम फर्म प्रज्ञा फिलिंग स्टेशन रतनलाल मीठालाल नौगामा जिला बांसवाड़ा राजस्थान।